एक लफ्ज हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले मुफले मुफलिहून, और इसके मुकाबले में जो लफ्ज आया है वो क्या है? फासिरून। मुफलिह का मतलब है कामयाब होने वाले लोग, और खासिरून का मतलब है नाकाम होने वाले लोग। मुफलिहून की सिफात आप सबको याद है कि ईमान बिल गैर, किताबों पर ईमान, कुरान पर ईमान, आखिरत पर यकीन, और साथ ही साथ इकामत सलात और इंफाक, ये तीन चीजें आती हैं। खासिरून के ताल्लुक से अभी दो चीजें यहाँ पे मेंशन है। आयत नंबर है 27। पहली चीज अल्लाह से रिश्ते को तोड़ना, और दूसरी चीज ये तो हो गया खालिक और मखलूक, इंसान करीबी लोग और इसको हम क्या कहते हैं मखलूक। तो दो चीजें हैं, इंसान से रिश्ता तोड़ना और इन खालिक से रिश्ता तोड़ना और मखलूक से रिश्ता तोड़ना। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान खासिरून में शामिल हो जाता है। अच्छा, खालिक तो एक ही है और मखलूक कितनी है? जितनी भी चीजें मौजूद हैं इस कायनात में वो सब के सब मखलूक हैं। तो ये आप सबको याद होगा और जहन में रखना चाहिए कि नाकामी की दो बुनियादी वजह हैं, एक तो जो हमारा रब है उससे हमारा रिश्ता टूट जाए, और दूसरी चीज उसकी जो बनाई हुई मखलूक है उसमें खास तौर पे इंसान, और इंसानों में भी यकीन तौर पर वो लोग जो हमसे नजदीक हैं। फिर इसके बाद में अब हम नई आयत आज शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम चीजें जो कुछ आसमान और जमीन में है वो सब पैदा की, वो किसके लिए पैदा की है? ये चंद अल्फाज भी हैं, अल्फाज कुछ नए हैं और कुछ पहले से आपको मालूम है। हुआ की मीनिंग किसी को मालूम है? हुआ मीन्स, हुआ का मतलब क्या है? हुआ की मीनिंग किसी को मालूम है? अरबी में हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है, इसका मतलब है ही या फिर, ही फिलहाल में इस्तेमाल होते हैं, ही शुड बी कैपिटल। हुआ और अल्लज़ी का मतलब क्या है? ही हू, वो जिसने खलका की मीनिंग है पैदा किया। देखिए, पैदा करने का मतलब ये है बनाया, उसको नथिंग से समथिंग उसको वजूद बख्शा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कहीं भी किसी भी फॉर्म में था ही नहीं, उसको उस फॉर्म में वजूद बख्शा। और फिर किसके लिए पैदा किया है? आपको मालूम है ला का मतलब होता है, याद आया आप लोगों को, और कुम का मतलब होता है यू, तुम्हारे लिए पैदा किया। माँ की, माँ भी एक अलग से एक लेटर है, इसकी मीनिंग क्या होती है? वॉट एवर, जो, वेरी गुड। जो फी का मतलब क्या है? मे। और अल अर्ज की मीनिंग क्या है? तो जो कुछ जमीन में पैदा किया है, जमीन की मीनिंग क्या है? जमीन ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, जमीन, जमीन का मतलब होता है सब, ऑल, सारे के सारे। उसी ने तुम्हारे लिए पैदा किया है जो कुछ भी जमीन में है सब के सब, वो रब भी है। अब ये बताइए जमीन की कितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ चंद चीजें इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं? ये बताइए, हम लोग दिल्ली में हैं, पहाड़ यहाँ से जो दूर है अरावली को छोड़कर, वहां पे मौजूद उन पहाड़ों से हमें क्या फायदा है? वो तो बहुत दूर है हमसे, हम तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं उनको इस्तेमाल? कैसे? जी अच्छा, हम देखेंगे। सही कहा आपने, जितनी भी चीजें कायनात में इस तरह मौजूद हैं
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में हमारे इस्तेमाल में आती है। पहाड़ बहुत दूर है हमसे, समंदर भी बहुत दूर है हमसे, उनसे हमें क्या फायदा पहुंचता है? हमारे लिए ये नदी भी काफी जो यहाँ बहती है, तो समंदर से फायदा है, फायदा है या नहीं है? क्या फायदा है? आप में से किसी ने इनडायरेक्ट कहा, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैं, बहुत नहीं वो सबके सब है। वो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें इस कायनात में हैं उन सब का फायदा हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में मिलता है। तो ये अभी आयत समझ में आ गई आपको, तो ये क्या है? इसीलिए कहा जाता है इज्जत तुम रब, रब का मतलब हमारी नीड्स को फुलफिल करना। हमें मौसम चाहिए मुख्तलिफ, हमें बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए, हमें खाने की चीजें चाहिए और हमें बहुत सारी और भी चीजें रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं सर्वाइवल के लिए। तो जितनी भी हैं वो सब के सब उसने बना दी हैं, वो सब हमारे लिए हैं और वो हमारे रब है। ये एक तरीके से बात समझाई जा रही है कि ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, एक पौधा कैसे निकलता है? सेब, सेब तसव्वुर में लिया, सेब, सेब कैसे निकलता है? आपने बीज डाला और सेब आ गया, कैसे आता है? उसमें वक्त लगता है, पहले आपने बीज उसमें डाला जमीन के सीड, उसका वक्त लगता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें वक्त लगता है, फिर उसका सीजन होता है उसमें वक्त होता है, फिर सीजन के साइकिल होते हैं उसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि पूरे हमेशा हमेशा उसमें हो, सीजनल चीजें होती हैं। तो ये करता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन ये प्रोसीजर इसको फॉलो किया जाता है इस दुनिया में। एक लफ्ज है सबब, सबब समझते हैं आप लोग, इसे लिख लें, सबब, सबब की जमा आती है असबाब। असबाब का मतलब होता है मीडियम या मीन, जो जरिया होता है। जैसे लिख रहे हैं ये हमारे लिखने का एक जरिया है, तो ये लिखने का जरिया है, तो इसको इसको हम इस्तेमाल करके यहां पर लिखने के लिए। कल हो सकता है ऐसी भी चीजें आ जाएं, आप सब लोग वाकिफ हैं, कोई नई नहीं है, कि आप उस पर बगैर रोशनी इस्तेमाल किए हुए लिख सकते हैं और चीजें डिस्प्ले भी होंगी और साफ भी हो जाएंगी, चीजें आती रहेंगी। और ऐसे भी टेक्नोलॉजी है, आप वाकिफ भी हैं उससे, कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, खुद बहुत चीजें चलती रहती हैं, पहले से उसमें फीड कर दी जाती है, डिस्प्ले पे आती रहती है। जरिए बदलते रहते हैं, मीडियम बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस निजाम बनाया है। अच्छा ये बताइए कि हम लोगों की भूख कैसे खत्म होती है? खाना खाते हैं जी, जब खाना खाते हैं। अगर खाना न खाएं और उसकी जगह पे वैसे ही विटामिन लेते रहें तो खाने की बात आएगी उसमें? क्योंकि खाना अपने आप में सिर्फ यही नहीं कि विटामिन से, बल्कि और भी चीजें, फाइबर भी उसमें होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो मिला के मुकम्मल एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, फिर उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर हमारे जिस पे होता है। कुछ लोग हैं, आपने सुना होगा, कुआ में चले गए बहुत दिनों तक, उन्होंने 3-4 महीने जिंदगी गुजारी, कुछ लोगों ने और से लंबा वक्त गुजारा, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते हैं जो रोटी दाल चावल खाने वाला इंसान मजबूत जिस तरह से होता है। क्योंकि इसके लिए एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकिल, वो है निजाम। निजाम आप लोग उर्दू में समझते हैं शायद, आपके में कभी किसी ने कहा हो हर चीज निजाम के मुताबिक कर दो, निजाम का मतलब सिस्टम, निजाम मीन सिस्टम, सिस्टम समझते हैं, सिस्टम है ये, निजाम सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है, चीजें फॉलो, चीजों का एक निजाम बनता है। अच्छा आप लोगों के पास जो भी मालूमात है इस जमीन के बनने के ताल्लुक से, इतना आप पढ़ चुके हैं कि जमीन ये जो फॉर्मेशन है, सिर्फ सॉइल का फॉर्मेशन, उसमें कितना वक्त लगता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर जमती चली जाती है और इस तरीके से मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आती हैं। ऐसे ही दो चीजें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, एक है अल-अर्ज़ और एक है उसके मुकाबले में अस-समा। समा ये बुलंदी इसकी मीनिंग है, समा का मतलब क्या है, बुलंदी, एक चीज नीचे है एक चीज ऊपर, जो चीज बुलंद है। अब ये जो कुछ हमें जमीन के अलावा दिखता है वो बुलंद है या हमसे दूर है, बुलंद भी है और दूर भी है। अच्छा सिर्फ ऊपर ही की तरफ है या और भी डायरेक्शन में है, वो हर डायरेक्शन में है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारी जमीन इस तरीके से मूव कर रही है और इसके चारों तरफ जैसे चीजें मूव कर रही है, उसकी वजह से एक हमें अंदाजा हो गया कि जमीन बीच में मौजूद है और उसके अलावा अतराफ में कायनात है।
आप लोगों के पास खबरें कभी कभी आती रहती होंगी कि एक नई गैलेक्सी मिली है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कुछ मालूम नहीं है, टेलीस्कोप से कुछ चीजें डिस्कवर करते रहते हैं, हर चंद दिनों के बाद में नई खबर आती है। आप में से कोई देखता है तो अखबार में लिखी रहती है क्या मतलब है? और ये भी सुना हुआ कायनात फैल रही है, ये सब जो चीजें हैं इसको हम असमा कहते हैं। असमा का लफ्जी वर्ड फॉर वर्ड जो ट्रांसलेशन होता है उसको हम कह सकते हैं कायनात, यूनिवर्स। कायनात इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है बुलंदी। बुलंदी सब बच्चे समझते हैं, हाइट कह सकते हैं आप उसको, बुलंदी जो चीज बुलंद है उसको हम समा कहते हैं। समा यस्मू अरबी में आता है, आप कहीं भी इसे सिर्फ लिख ले अल-अर्ज वस्समा, और समा के नीचे आप लिख लिए सीन समा, ये हो गया पास्ट। और इसका यस्मू समा यस्मू सर्वाइव करने के लिए उसने एक एनवायरमेंट हमारे लिए बनाया है, उस एनवायरमेंट को हम कायनात भी कहते हैं, बुलंदी है वो फैली हुई समा कहते हैं। और समा प्रयोग आता है समावार, समावार तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, समावार आज की इस आयत भी है समावार। समा एक नया लफ्ज है, इसे आप जरूर अपनी नोटबुक में लिखिए। सब, सब का मतलब है सेवन, ये जो गिनती है ये सेवन है, ये गिनतियां इसमें बहुत सी आपको मिलेंगी, सब है अशरक है वाहिद है, तो एक एक करके सीखेंगे। उसने जमीन पैदा की और जमीन की जितनी चीजें हैं वो हमारे लिए बनाई हैं, और फिर उसके बाद वो मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ, बुलंदियों की तरफ, यानी कायनात की तरफ मुतवज्जे हुआ और कायनात को उसने बनाया है। अच्छा, ये हमारी जमीन कितनी पुरानी है किसी को मालूम है? 14 बिलियन। बहुत पुरानी है, बहुत, ये बहुत सही जवाब है, बहुत पुरानी है, इसमें सारे सब कुछ शामिल हो गया। चलिए मान लेते हैं, सब कर लेते हैं इमेजिनेशन, बल्कि कुछ चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे चीजें उनकी खास मीनिंग हमारे पास में होती है, लेकिन कुछ और मीनिंग उसकी होती है जो कहीं और होती है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए आप में से किसी ने आज कुरान की तिलावत की थी, यस नो, इसका मतलब सवाल समझ गए आप में से किसी ने की थी और किसी ने नहीं की थी। तिलावत की मीनिंग जो आप समझ रहे हैं वो क्या है? रीडिंग। लेकिन आपको अगर बताया जाए कि तिलावत की मीनिंग रीडिंग भी है और साथ ही साथ एक और मीनिंग है, मीनिंग नंबर टू, वो क्या है? टू फॉलो, जो गाइडलाइन आपको दी जाती है उसके मुताबिक चलना, ये भी फॉलो करना, इसको कहते हैं तिलावत। तो वो यार तिलावत जब हम कह रहे हैं तो उसमें दोनों चीजें शामिल है इस रूप में, फॉलो भी करना, तो फॉलो तो आप कर ही रहे हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं जो अल्लाह ने कहा है वो काम करते हैं, जिन बातों से रुकने को कहा है उन बातों से रुकते हैं, ऐसे लफ्ज। और ये सब, सब की मीनिंग आपको मालूम है क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि बिला वजह बस जहाँ है वहीं पढ़े गए हैं, अल्लाह ताला खुद से नवाज देगा, मेहनत भी करती है, मेहनत, मशक्कत, स्ट्रगल, हार्डवर्क सब कुछ है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो कंटिन्यूटी है उसी को हम कहते हैं सब्र, जिसको हम आम जबान में कहते हैं लगातार मुसलसल किसी काम को करते रहना। तो कुरान मजीद में है कि अल्लाह ने ये जमीन बनाई, अर्ज को बनाया, उसके बाद में सात आसमान, उसने सात आसमान बनाए हैं। सात आसमान का मतलब जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं पहली भी, उन लेयर्स को बनाया है। अब एक जुमला है, इसको समझना और इसके हर लफ्ज को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कुरान में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे खास हुक्म है जो इससे पहले भी आ चुका है, वो है या अय्युहन्नास, याद आया आप लोगों को या अय्युहन्नास? ये नास कौन लोग हैं? हम, आप या कोई और? सब लोग मुराद है नास में, तो नास का मतलब है ऐ लोगों, और उसके बाद में उबुदु, तुम लोग बंदगी करो। और बंदगी में किसकी बंदगी है? खास जात अल्लाह है। इसकी वजह बता दी उसने कि वो रब है, वो खालिक है, ये तमाम वजह हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि उसकी अगर बंदगी हम नहीं करते हैं तो नतायज क्या होंगे। अल्लाह ताला हमारी कोई छुट्टी नहीं करता है।
अली नाम सुना है आप लोगों ने, वाओ की मीनिंग क्या है? हुआ, हुआ लिखा आपने अपनी नोटबुक में अलग से, हुआ का मतलब है ही, और इसका प्लुरल आता है हुम, हुम का मतलब होता है दे, दे एंड देम बोथ। बा मीन्स आप लोग अपनी नोटबुक देख के बता सकते हैं बा की मीनिंग क्या है। जी along with, not among, along with, साथ में, ये बा है। और इसमें दूसरा एक नया से शायद लफ्ज है कुल। क्लास में कुल कितने लोग थे कल? 20-25 जो भी हों, क्लास में कल कुल कितने लोग थे? कुल की मीनिंग ऑल। इसका इसको आप अलग से लिख लें ऑल, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सब के सब ऑल। शेगुन का मतलब क्या है? शेगुन के लिए खास लफ्ज है, उसको हम कहते हैं थिंग, thing, चीज जिसे हम कहते हैं। थिंग इज डेफिनेशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी मॉडर्न में कहीं में। जी हाँ, वाओ का मतलब क्या है? और वाओ का मतलब है और, शय का मतलब चीज, चीज समझते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, ये चीज वो चीज, थिंग जिसे कहते हैं। अली मीन्स जानने वाला, आलिम सुना है आप लोगों ने, आलिम कहते हैं जानने वाले को। अली मुझसे थोड़ा सा और भी ज्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह हर चीज को जानता है। ये बताने की वजह क्या है? ये इस आयत से हमें क्या मिलता है? इस हिस्से से फिर कुरान जब पढ़ते हैं तो हमें एक सबक मिलता है। इस हिस्से सबक क्या मिलता है कि जब वो हर चीज को जानने वाला है तो गोया कि हम कोई भी गलती उससे छुप के नहीं कर सकते, कोई भी गलती उससे हम छुप कर नहीं कर सकते हैं। ये आयत मुकम्मल हो गई अल बकरा की आयत नंबर 29। लिख लिया आप लोगों ने? ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है और ये लफ्ज क्या है? अब एक दूसरा लफ्ज है यहाँ पे खलीफा। चलिए इसको मुकम्मल ता बना लेते हैं, खलीफा। उर्दू में हा से लिखते हैं, अरबी में ये शक्ल है खलीफा, खलीफा। खलीफा की मीनिंग क्या होती है? सक्सेसर, सरदार मीनिंग, यानी एक के बाद जो बाद में आए, किसी के बाद में और केयर टेकर बने, उसको कहते हैं खलीफा। खलीफा भी एक ऐसा लफ्ज है जिससे हमने खास मीनिंग बना ली है, जो सरदार हो, ऐसी कोई खास मीनिंग नहीं है उसके अंदर, बल्कि एक आम सी मीनिंग है जो बाद में आए। कुरान में लफ्ज कई बार इस्तेमाल हुआ है खलीफा, बाद में आने वाला, सक्सेसर, केयर टेकर। आप लिखना चाहें तो लिखने सक्सेस है क्या चेक। खालिद समझ गए, मखलूक समझ गए, हम सब लोग मखलूक में आते हैं, उसके बाद में हम खलीफा हैं। अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया है। खलीफा की मीनिंग क्या लिखी है आप सब ने? बाद में आने वाला, केयर टेकर। इसके खलका का असल मीनिंग है चुक लिए, खलफा का मतलब है टू कम आफ्टर समवन। लेकिन दो अलग अलग अल्फाज हैं, एक है खे लाम और काफ, और ये है खे लाम और फा। इन दोनों का रूट अलग है, ये फा है और ये काफ है, खलीफा। खलफ इम्बादिहिम खल्फुन, याद है ये अल्फाज किसी को? सुने भी रखते हैं, खलफ इम्बादिहिम खल्फुन अज़ाउस्सला। खलीफा कहते हैं
वन हु कम्स आफ्टर समवन, फॉलोअर से कह सकते बाद में आने वाला, प्लस केयर टेकर, दोनों मीनिंग उसके अंदर होती है। अब इंसान को अल्लाह ने जमीन पे खलीफा बनाया, यानी इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब खलीफा हैं, मीनिंग क्या हुई उसकी? अगर आप वो सरदार वाली मीनिंग लाएंगे तो बात अलग होगी। ख्याल रखना है खलीफा की बुनियादी जिम्मेदारी है जो बाद में आएगी, जो केयर टेकर जिसे हम कहते हैं, केयर टेकर जो होता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? फसाद को रोकना। फसाद का मतलब जो डिस्टरबेंस हो, जो ऑर्डर चेंज हो रहा हो बिला वजह भी, जो डिस्टरबेंस लोग क्रिएट करते हैं, कोई भी क्रिएट करता है, केयर टेकर की जिम्मेदारी क्या है? फसाद को रोकना इतना काफी है, फसाद को रोकना है। लिख लिया आप सबने? लिख लिया, आराम से लिख लिया। फसाद को रोकना। अब आप के जहन में एक बात ये कहनी चाहिए, आयत नंबर 30 है ये, आयत नंबर 30। 30 में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन में खलीफा बनाया। खलीफा का मतलब क्या होता है? फसाद को रोकने वाला बनाया, बिगाड़ ना फैले। बिगाड़ किस किस शक्ल में फैलता है? बहुत सारी शक्लों में फैलता है, बहुत सारी शक्लें हैं। लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, पल्यूट करते हैं, लोगों के हक मारते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फसाद की जो भी बिगाड़ की शक्लें हो सकती हैं, फसाद का मतलब वो नहीं है जो पहले आप समझ गए थे कि सिर्फ वायलेंस क्रिमिनल हो जाए तो उसको फसाद कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फसाद का मतलब बिगाड़ है, बिगाड़ का मतलब डिस्टर्बेंस है, कहीं भी कोई तरतीब सिस्टम निज़ाम बिगड़ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसको कहते हैं फसाद। तो अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया है, यानी केयर टेकर बनाया है। और हम सब लोग केयर टेकर हैं, जब फसाद की शक्लें तलाश किए कहाँ कहाँ हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं। लोगों को कोई हक नहीं दे रहा है तो हमें बात करनी चाहिए, कोई कहीं गंदगी फैला रहा है तो हमें बात करनी चाहिए, जहां जहां भी फसाद की शक्लें नजर आती हैं। अब इस आयत का तर्जुमा सुन लिए, वह इसका खलीफा, और जब दो अल्फाज और भी डिस्कस कर लेते हैं, एक है इज, इससे वाकिफ हैं आप लोग, इसका रब का इस काल इज आता है, इसकी मीनिंग होती है जब, और एक है इजा, जैसे इजा जा अनसुल्लाह वल फत, याद है आप सबको, याद ही होगा, इसकी मीनिंग होती है जब। इन दोनों में फर्क क्या है? ये क्या है और ये क्या है? इसे लिख लें कि जो कुरान में ये दोनों हरूफ कई मरतबा आते हैं, पास्ट है और ये फ्यूचर है, पी आइडियली लिखना चाहिए वहां पे, और ये एफ फ्यूचर। लिख लिया आप सबने? इस काल रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने कहा, लिल मलाइकती, मलाइका किसे कहते हैं मालूम है आपको? क्या मलाइका बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं? पावरफुल होते हैं, इबादत के लायक होते हैं? यस, इबादत तो सिर्फ बस एक की है, बाकी दुनिया में किसी की नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अल्लाह की, जो बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह नहीं कहते हैं, उनके यहाँ दूसरे नाम हैं, लॉर्ड गॉड, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल हम अरबी का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह इस्तेमाल करते हैं। फरिश्तों ने कहा, अतज अलूफीहा, क्या आप उसमें बनाएंगे, बहुत ध्यान से ट्रांसलेशन सुनिएगा, अतज अलूफीहा, क्या आप उसमें बनाएंगे, मयूफ सिदुफीहा, जो उसमें फसाद मचाएगा, वयस्फिकु दिमा, खून बहाएगा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तो आपकी तस्बीह करते हैं और हम आपके लिए तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, इसको हम जरा एक्सप्लेन करेंगे तफसील से।
किन्नी इन्नी का मतलब क्या है? इंडीड आई, बेशक मैं। इन्ना पते मतलब आता है यहाँ इन्ना या के साथ में बेशक मैं, लिख ले इसके इसे आप जी। यकीनन यकीनन इंडीड सचेली सारी मीनिंग है ये, इसमें दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है इन्ना और दूसरा है या। तो क्या बन गया? इन्नी बेशक मैं, यकीनन मैं, सचेली आई। लिख लिया आप सबने। आलमो का मतलब होता है आई नो, आई नो, आई नो, आप लिख लें ऐसे चीज। यहां भी ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये जो है जो वॉट एवर जी। इन्नी की मीनिंग लिखी आपने, क्या लिखा? इंडीड आई, और आलमो आई नो, मैं जानता हूं। मा जो, ला तालमून तुम लोग नहीं जानते हो, जिसका तुम इल्म नहीं रखते हो। इसमें दूसरी रूट क्या है? आयन लाम मीम। आलिम आपने देख लिया, अब एक लफ्ज आया है तालमून, तुम नहीं जानते हो। ला तालमून तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है ला तालमून का। इसका ये इन नहीं है, ऊपर तश्दीद लगी हुई शब्द, इट मींस इसको हमें डबल पढ़ना है, दो मरतबा। ये इसको हम कहते हैं इन्ना। इन्ना का मतलब होता है इंडीड, बेशक, यकीनन, सचेली। किसी भी चीज को बहुत ही जोरदार तरीके से कहने के लिए, उसको जोर डालने के लिए इतना इस्तेमाल करते हैं। यकीनन उर्दू में कहते हैं, यकीन तौर पर, सचेली से हम कहते हैं। ला का मतलब नो होता है, लेकिन नो के लिए कई हुरूफ आते हैं, ला भी है माँ भी है, लेकिन यहाँ पे माँ जो की मीनिंग में, अभी उर्दू आप देखेंगे आपने लिखा है माँ की कई मीनिंग, एक तो नो है और दूसरा जो है। ला तालमून को आप मुकम्मल एक साथ लिख लें और उसका ट्रांसलेशन लिख लें, यू ऑल डोंट नो, और बाद में आप उसमें एम जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, सेकंड पर्सन है, प्लुरल है, तीन चीजें हैं इसमें, मैस्कुलिन है, सेकंड पर्सन है और प्लुरल है।